नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने यहाँ पर खड़ी हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि बैंक द्वारा खींची हुई गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और ये सभी की सभी श्रीराम यार्ड पर रखी हुई हैं जो कि छतरपुर में सागर रोड पर फोर सीजन होटल के आगे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन आप लोगों को यहाँ पर पसंद आता है तो आप लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वाहन रखे हुए हैं जिनमें फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ई रिक्शा, ट्रैक्टर, यहाँ की सारे के सारे वाहन यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पर बहुत सारे वाहन रखे हुए हैं। यहाँ पर बोलेरो पिकअप भी है, बोलेरो भी खड़ी हुई है, फोर व्हीलर, और यहाँ पर छः चक्का ट्रक भी खड़े हुए हैं और इस साइड देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर आप कोई भी वाहन ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ और नीलामी में अगर बोली लगाना चाहती हैं तो बोली लगाने से पहले अगर आपको कोई भी वाहन यहाँ का पसंद आता है तो उस वाहन की पूरी तरीके से जाँच परख कर लें, पूरी तरीके से देख लें, क्योंकि ये देख सकते हैं गाड़ियों में जिस तरीके की गाड़ी, जिस कंडीशन में गाड़ी है, ये गाड़ी आप लोगों को इसी कंडीशन में मिलेगी। अगर इस गाड़ी का टायर पंचर है या उसमें हवा नहीं है तो एक बार बोली लगाने के बाद ये गाड़ी अगर आपकी हो रही है तो आप लोगों को इसमें हवा डाल के खुद ही ले जाना पड़ेगा, या अगर स्टार्ट कंडीशन में नहीं है तो आप लोगों को अपना वाहन लेकर खुद ही आना पड़ेगा इसको ले जाने के लिए। इसमें हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी और साथ साथ में आप लोग इसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में है इसी कंडीशन में आप लोगों को ये गाड़ियाँ मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टॉक मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे स्कूटी भी रखे हुए हैं और यहाँ पर ई रिक्शा रखे हुए हैं और ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं जो कि सभी के सभी बैंक द्वारा खींचे हुए आए हैं और इन सभी की नीलामी होने वाली है। अभी नीलामी की डेट नहीं आई है, जैसे ही अगर कोई नीलामी की डेट आती है इस महीने की तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी वाहन रखे हुए हैं और यहाँ पर फोर व्हीलर रखे हुए हैं और ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक्टरों की कंडीशन देख सकते हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन में सारे के सारे ट्रैक्टर आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन के ट्रैक्टर हैं। तो जो भी मेरे भाई ट्रैक्टर या कोई भी फोर व्हीलर कार या कोई भी वाहन लेना चाहता है वो यहाँ पर तेरह मिनट पर आ सकता है और बहुत ही कम रेट पर वाहन ले जा सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखें कि जो भी वाहन जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आप लोगों को ये वाहन मिलेगा। देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे रखे हुए हैं, ये बोलेरो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अल्टो है, छोला मोटर अल्टो रखी हुई है, मारुति ऑडी है और ये देख सकते हैं ये स्वच्छ डिजायर है, ये फल स्वच्छ है अल्टो और ये जायरी रखी हुई है। बोलेरो की कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन कंडीशन में रखी हुई है बोलेरो और बहुत ही कम रेट पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो देख सकते हैं सभी के सभी वाहन बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में रखे हुए हैं और आधे से आधे रेट पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग नीलामी में बोली लगाना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, यहाँ का एडजस्ट चार्ज है। बोली लगाने से पहले आप लोगों को कूपन लेना पड़ेगा, कूपन का जो एडजस्ट चार्ज होता है वो 20,120 रुपये होता है। और अगर नीलामी में बोली लगाने के बाद अगर आपको कोई भी वाहन पसंद नहीं आता है तो आपके 20,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, 120 रुपये आपके जो एडजस्ट चार्ज है वो कट जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं सभी के सभी वाहन यहाँ पर नीलामी में रखे हुए हैं और मैं आप लोगों को इनकी और भी डिटेल्स दे दूँगा।